एक ऐसी फेयरनेस नाइट क्रीम जिसका इस्तेमाल करके आपकी स्किन डे बाय डे ब्राइटन और गोरी हो जाएगी, साथ ही स्किन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है या आप टू बी ब्राइड होने वाले हैं तो इस क्रीम का बिल्कुल एप्लीकेशन करें, इससे आपकी स्किन बेटर ऑफ हो जाएगी। तो चलिए इसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल, जो हमारा बेस इंग्रेडिएंट होने वाला है, और साथ ही एलोवेरा जेल के कई सारे फायदे। तो आपको एक चम्मच भर करके एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे स्किन पे जा करके टैनिंग या सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही मॉइस्चराइज करता है, हमारे जितने भी एक्ने हैं उससे फाइट करता है, उसे हील करने में हेल्पफुल होता है, और इन्फेक्शन जो हमारे चेहरे पर इन्फेक्शन होते हैं उसे किल करता है। नाउ नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर वो है आलमंड ऑयल। यहाँ पर आप अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट अगर आलमंड ऑयल है इज़ द बेस्ट। सो आपको यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ आलमंड ऑयल ले लेना है और इसे प्रॉपर मिक्स कर लेना है। आलमंड ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ इसमें विटामिन ई का अच्छा खासा सोर्स होता है। तो इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे रोज़ वाटर 2 चम्मच भर करके। आप जो भी रोज़ वाटर यूज़ करती हैं वो रोज़ वाटर आप ले 2 चम्मच। देखिए रोज़ वाटर हमारे स्किन को क्लीन करता है, ब्राइटन करने में हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे 2 चम्मच रोज़ वाटर आप ले। इसके बाद हम ले रहे हैं विटामिन ई के 1 कैप्सूल। यहाँ पे आप 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पे 1 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे विटामिन ई का अच्छा खासा सोर्स आलमंड ऑयल ले रखा है। अगर आप आलमंड ऑयल की जगह पे यूज़ कर रही ऑलिव ऑयल तो आप यहाँ पे विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड करने वाली हैं। ये कैप्सूल आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप जा करके बिल्कुल ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, और आप उसके जब भी आप परचेस करें उसके पीछे आप देखें उसके सारे बेनिफिट्स उसमें लिखे रहते हैं, क्या ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे रोज़ वाटर का इन्फ्यूज़न किया गया है, हम रोज़ वाटर मिलाए हैं जो हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्लींजिंग के लिए बेस्ट है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपका चेहरा काला पड़ गया है, दाग धब्बे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एक्ने जैसे लगता है ठीक ही नहीं होने वाला है, टाइम से पहले एज ऑफ साइंस दिख रहे हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन हो रखे हैं, इस क्रीम का एप्लीकेशन आपको बिल्कुल रिजल्ट देने वाला है। 1 से 2 दिन में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। ना चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी। आप किचन की हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ होता है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है और आप क्रीम प्रिपेयर करना चाहती हैं तो इसको स्किप कर सकती हैं, मगर आपको लेना है कस्तूरी हल्दी या फिर आपके घर की हल्दी जो बिल्कुल कच्ची हल्दी होती है उसे सुखा करके पाउडर बेस में तैयार करके आप ले सकती हैं। यह हमारा क्रीम बिल्कुल बन के तैयार है, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ ब्राइड यूज़ कर सकती हैं। ये ब्राइड के लिए ज़्यादा स्पेशली इसलिए क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्शन को भी आपका बिल्डअप करता है। आप कोई आप किसी भी एज की हैं इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, केमिकल फ्री है, ये आपके टोन को बूस्टअप करेगा। इसमें टर्मरिक यूज़ हुआ है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें भर भर के पाई जाती है, साथ ही कॉम्प्लेक्शन को बिल्डअप करता है। सो आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैं चाहती हूँ कि सारा जो भी इन्ग्रीडियंट मैं यूज़ की हूँ सारा वो मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इतना ग्लॉसी और इतना सुपर ग्लोसी। सो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें टर्मरिक यूज़ हुआ है तो मैं इसका एप्लीकेशन करूँगी तो पीला चेहरा लगेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी यानी पिंच ऑफ जरा सा आपको लेना है टर्मरिक, और इसका एप्लीकेशन आपको नाइट में सोने से पहले करना है। आपको बिल्कुल आपका चेहरा पीला नहीं पड़ेगा। आप 7 डेज लगातार इसको करके देखिए आपकी स्किन कितनी बेटर ऑफ हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन में आपका चेंजेस आने लगेंगे। इसके बाद आपको लेना है कोई भी एयर टाइट कंटेनर, अगर आपके पास सीसी का बॉटल हो, खाली क्रीम का बॉटल हो, तो उसे बिल्कुल थ्रो ना करें। इसे इसमें डाल के आप बिल्कुल 1 मंथ के लिए इसे स्टोर कर सकती हैं अगर आप इसे विंटर में प्रिपेयर कर रही हैं तो, और समर के लिए इसे आपको फ्रिज में रखना होगा और 1 मंथ के लिए बिल्कुल स्टोर करके आप यूज़ कर सकती हैं। सोने से पहले इसका एप्लीकेशन करें, आपकी स्किन से जितनी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाए जा रहे हैं, बहुत सारे पावरफुल इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रखी हूँ मैं, विटामिन ई का अच्छा खासा सोर्स है जो ब्राइटन करने को स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही एंटी एजिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर आप 30+ है ना तो इस क्रीम का ना आपका मैजिक आपकी स्किन पे बिल्कुल दिखने लगेगा। आपकी स्किन टाइटन ब्राइटन होने के साथ साथ आपकी स्किन पे वो वाइटनिंग ग्लोइंग स्किन बिल्कुल दिखने वाली है। तो आपको लेना है इस तरीके से हैंड में और इसके बाद इसे अपने पूरे फेस में इसका एप्लीकेशन करना है। जैसे जैसे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे ये आपकी स्किन को ना बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, साथ ही अंदर से हाइड्रेट रखेगा ताकि ऊपर से सॉफ्ट सपल और ग्लोइंग स्किन बिल्कुल आपको ग्लास की जैसे दिखने वाली है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो हर लड़की को इसका एप्लीकेशन करना चाहिए शादी के 1 महीना पहले से। आपको रिजल्ट बिल्कुल दिखने वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर आप
बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप एग्जीक्यूट करती हैं तो आपकी स्किन पे ना वो फेयरनेस और ग्लो बिल्कुल आपको शादी के दिन दिखने वाली है। आपको बिल्कुल पार्लर जा करके पैसे खर्च करके महंगे से महंगे फेशियल को बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा। ये आपकी स्किन को इतना बेटर ऑफ कर देगा। अगर आपके स्किन पे कोई भी पुराने दाग धब्बे उसे क्लीन करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें पाए जा रहे हैं जो आपकी स्किन पे रिंकल्स, पिगमेंटेशन, मलाजमा जैसी चीज़ों को भी रिपेयर करता है। आपको सोने से पहले अपने क्लीन फेस में 2 से 3 मिनट के लिए इसे मसाज लेना है। आप जैसा जैसा मैं स्टेप बता रही हूँ आपको सिंपल वही स्टेप करना है। अगर आप ऐसा करती हैं ना तो आपकी स्किन काफ़ी बेटर ऑफ हो जाएगी। हर लड़की को इसका एक बार इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। विद इन अ वीक आपको रिजल्ट बिल्कुल दिखने लगेगा। आप हॉनेस्ट रिव्यू आके मुझ पे शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ बिल्कुल दिखती रहे। सो अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने स्किन का बिल्कुल ख्याल रखें और इसका एप्लीकेशन करने से पहले अपने स्किन को बिल्कुल क्लीन कर ले, फेस वॉश कर ले, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करें सोने से जस्ट पहले। बाय बाय, टेक केयर।